सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर एक बार केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ इस महाराष्ट्र की धरती पे। हाल ही में हम दोनों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ली हुई है, और जैसे ही शपथ ली गई तुरंत हम लोग ने काम शुरू कर दिया। कल ही केंद्र सरकार की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपेक्स अथॉरिटी की बैठक थी, उसमें निर्मला सीताराम जी उनके साथ मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में महाराष्ट्र में बन रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को तेजी देने की बात भी वहाँ पर हमने रखी थी, और 3-4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है मुंबई दिल्ली, मुंबई नागपुर, मुंबई बेंगलोर, और बल्क ड्रग पार्क हो, टेक्सटाइल पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, इसकी भी बात कल मीटिंग में रखी। और केंद्र सरकार ने पूरी तरह हमें सहयोग देने की बात की है, क्योंकि आप सब जानते हो ये सरकार जो गठित हुई है ये हमारे हिंदुहृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली सरकार है, और उसके लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद दिया हुआ है, और गृह मंत्री जी ने भी दिया है, और गडकरी साहब का तो है ही, वो हमारे ही है, नड्डा जी भी है, उन्होंने इस शिवसेना भाजप की सरकार को आशीर्वाद दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि इसमें यहाँ बैठे हुए देवेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और निश्चित रूप से पिछले 5 सालों का उनका जो अनुभव है ये अनुभव इस राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए कारगर साबित होगा, मददगार साबित होगा। वैसे हमारी दोनों की अच्छी खासी दोस्ती है, मैं उनके मंत्रिमंडल में काम कर चुका हूँ, और इसलिए मैंने अभी गडकरी साहब को भी कहा, उन्होंने भी मुझे एक बात कही लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा सब ठीक है लेकिन आपका सहयोग हमें जरूर लगेगा, बोले बिल्कुल, पहले भी किया है और ज्यादा करूंगा अभी। गडकरी साहब की पहचान आपको सबको पता है कि जब 95 में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार थी इस राज्य में, तो उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा थी कि 7-8 घंटे 10 घंटे लगते पुणे मुंबई, पुणे मुंबई, मुंबई पुणे, तो मेरे ख्याल से देश में पहला सुपर एक्सप्रेस था वो, पहला वो उन्होंने किया। 55 फ्लाईओवर मुंबई में किए, तब लोग बोलते थे ये क्यों बना रहे, इसकी क्या जरूरत है, अब 55 भी कम पड़ रहे हैं। वो बहुत दूरदृष्टि वाले नेता है, तो उनको पता था तभी आगे क्या करना है, आगे क्या किसकी जरूरत है। और आज हम लोग देखते हैं, जानते हैं, मुंबई पुणे के वजह से, एक्सप्रेस के वजह से आज डेली 2-2.5 घंटे में हम लोग मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई आ सकते हैं। और आज पुणे में वहाँ सर्विस इंडस्ट्री हो गई, आईटी इंडस्ट्री हो गई, रियल इस्टेट बड़ी डेवलप हो गई, पूरी वहाँ पर डेवलपमेंट इतने ज़ोर से हो गई कि लोग यहाँ पर आना जाना रोज का डेली अप डाउन करने लग गया। अब मैं वहाँ पर एक टनल बना रहा हूँ, गडकरी साहब को पता है, वो एक टनल खालापुर से सियागढ़ इंस्टीट्यूट तक, उस टनल, वो टनल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे विड्थ वाला टनल है,
और वो जब जल्दी पूरा हो जाएगा 20-25 मिनट पहले मुंबई से पुणे पहुंच जाएंगे हम और फायदा हो जाएगा। समृद्धि हाईवे भी जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो भी एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा क्योंकि उसकी वजह से सिर्फ हाईवे नहीं है, वो 700 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे की दूरी 6 से 7 घंटे में पूरी करेंगे हम लोग। उसको नाम भी हम लोग ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का दिया हुआ है। ये देवेंद्र जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं उसमें मंत्री था और मुझे मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी मुझ पर देवेंद्र जी ने दी और मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाने की कोशिश की है और आज पूरी तरह वहाँ डेवलप हो जाएगा। सभी रीजन जो है मराठवाड़ा कोंकण उत्तर महाराष्ट्र विदर्भ सब डेवलप हो जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनियाँ वहाँ आ रही है, वहाँ नोड हम लोग 20 नोड बना रहे हैं पूरी तरह वहाँ पर गेम चेंजर। लोगों को इतनी समृद्धि हो जाएगी किसान आत्महत्या नहीं करेंगे इस समृद्धि हाईवे की वजह से। मुझे पता है कि जिस राज्य के जिस देश के रोड अच्छे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है। आज गडकरी साहब पहले जब सरकार थे 12 किलोमीटर पर डे रोड बनाए जाते थे, गडकरी साहब के कार्यकाल में 12 से 36 किलोमीटर रोड पर डे हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे याद है एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक कोट था, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मतलब उनके रोड अच्छे थे करके उनकी श्रीमंती थी और इसलिए गडकरी साहब वो इस तेजी से सब रोड बना रहे। हमारे राज्य के ऊपर भी उनका ध्यान है, हमको भी वो CRAP और नेशनल हाईवे और MSRDC PWD को भी बहुत से कहा, उन्होंने फंड्स दिए हुए, आगे और ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि हमारे सरकार से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ चुकी है। हम लोगों ने जो सरकार स्थापित की है इससे जो आम पब्लिक है जो सामान्य मानुष है उसको अपेक्षा बढ़ गई है और इसलिए गडकरी साहब निश्चित रूप से हमें साथ देंगे। महाराष्ट्र ये जो संतों की वीरों की भूमि है और महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन रहा है हमेशा। यह विकास इतनी तेजी से इस महाराष्ट्र में हो सकता है, वैसे पोटेंशियल है, स्कोप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस राज्य में पहले बहुत से MOU आप लोगों ने सुने होंगे लेकिन प्रत्यक्ष काम प्रत्यक्ष जो इंडस्ट्री यहाँ आने के लिए जो भी सरकार की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए ये सरकार हमारी सरकार पूरी तरह से देगी क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करना है, इसको हम लोग ने प्राथमिकता दी है और निश्चित रूप से यहाँ पर सभी तरह की आप जैसे हमारे देवेंद्र जी ने कहा है कि CII के साथ हम मिलेंगे बैठेंगे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं कैसे इस राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं और इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, निश्चित रूप से ज़रूर वो किया जाएगा। आज हम लोग जानते हैं इस राज्य का GDP भी सबसे ऊपर है, निश्चित रूप से एक्सपोर्ट भी 22% है, FDI जो है वो भी 26% है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्किल रिपोर्ट है 2021 का इसमें जो हमारे राज्य में जो टैलेंट है वो भी एक नंबर पे है।
और निश्चित रूप से यहाँ के लोग बहुत होशियार भी है, हम लोग जानते हैं, कभी पेपर में पढ़ते, न्यूज़ में देखते, हमारे महाराष्ट्र का एक कोई इंजीनियर हो या कोई आदमी हो प्रदेश में जाके अच्छा काम कर रहा है, तो ये सब जो है तो निश्चित रूप से हम लोग उसका पूरा यहाँ यूटिलाइज करेंगे। नीति आयोग का भी रिपोर्ट है, इनोवेशन में भी हम लोग महाराष्ट्र ऊंचाई पे है, ये सब जो है गुड गवर्नेंस में है, सब यहाँ पर जितना भी है हम लोग निश्चित रूप से आपको एक ही कहेंगे हम लोग कि साथ में मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इस राज्य में हर समाज के हर घटक को, किसान हो, किसानों के लिए हम लोग ने कहा था कि किसान आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र हम करेंगे। पिछले दो तीन दिनों में हम लोग ने कई ऐसे डिसीजन लिए, कल भी बैठक होगी, कैबिनेट में भी बैठक हो गई, उसमें भी हम लोग निश्चित रूप से जितना भी इस राज्य के लिए कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे हम लोग। और ये महाराष्ट्र जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद है। मैंने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कॉरिडोर में अब आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब भी, जैसे हमारे फडणवीस साहब ने कहा है कि उसे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी अभी गडकरी साहब ने भी मुझे कहा है, आपलं ते ह्याच्यामध्ये ना ठाणे आणि पुण्यामध्ये टॅक्सी रिक्षा इथेनॉल अपना प्रोडक्ट है, बराबर की नहीं? तो अभी पेट्रोल का महंगाई बहुत बढ़ रही है, आधे पैसे में इथेनॉल मिलता है, लोगों को फायदा हो जाएगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को आह्वान किया था कि उन्होंने अपने उनका टैक्स कम किया था पेट्रोल डीजल पे, लेकिन कई राज्यों ने कम किया, महाराष्ट्र ने नहीं किया था, उसके बारे में भी हम लोग दोनों मिलकर ये जो वैट है उसको कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, ताकि इस राज्य के सभी जो वर्ग है उनको इसमें फायदा हो जाए और देश की जो प्रगति है, प्रगति को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं इसकी कोशिश हमारी होगी। मैंने कल शेंद्रा बिड़किन के बारे में जानकारी ली, शेंद्रा बिड़किन तो हमारा तैयार हो गया जो औरंगाबाद संभाजी नगर में है, और खुद उस प्रोजेक्ट के बारे में वो वर्ल्ड क्लास है, वहाँ पर 3 लाख रोजगार मिलेंगे लोगों को, और खुद उसको प्रधानमंत्री जी ने उसको अप्रिशिएट किया है और देश को भी वो प्रकल्प समर्पित किया है, ये भी हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। CII जो पहल की है इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, उसको भी निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, साथ में मिलेंगे। इसमें जो हर घर तिरंगा, इस कार्यक्रम का भी आयोजन भारत सरकार की ओर से किया हुआ है, उसे भी हम ध्यान में रखते हुए सभी के सहयोग से हर घर तिरंगा, जो हमारे 2.5 करोड़ घर है, एक देश का अभिमान है, स्वाभिमान है, उसे हम लोग जागरूक करेंगे। और इसमें भी CII का सहयोग हम चाहते हैं, निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी आगे बढ़ाएंगे। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, गडकरी साहब को मुझे सुनना है क्योंकि उनसे भी कुछ लेना है हमें। तो आणि आम्ही नवीन सरकार स्थापन केलेला आहे, तर आपलं सहकार्य आम्हाला साहेब पाहिजे, तुम्ही नक्की देणार, तुमच्या बाजूला देवेंद्रजी बसलेले आहेत, त्यामुळे शेवटी सर्वसामान्य लोकांचं हे सरकार, सर्वांनाच न्याय देणार सरकार, शेतकरी कामगार कष्टकरी समाज के सभी वर्ग को बढ़ावा देने का काम हम लोग करेंगे। और इसमें अहम भूमिका जो है इंडस्ट्री की रहती है, इंडस्ट्री जो पिछले कई सालों में जो परिस्थिति
बदल चुकी है, उसमें हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री दूसरे स्टेट में गई है, वो क्यों गई, इसके भी कारण जो है हम उसके ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनको जो भी सुविधा है वो सुविधा देने का काम राज्य सरकार निश्चित रूप से करेगा। इतना ही मैं इस वक्त कहता हूँ। और मैंने कहा है कि हमारी सरकार शिवसेना भाजपा की सरकार बनी हुई है और लोगों की अपेक्षा काफ़ी है हमारे से। फिर एक बार मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार हमारी गार्जियन सरकार है और प्रधानमंत्री जी ने भी हमें आशीर्वाद दिया है शपथ विधि से पहले कि पूरी तरह पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार आपके साथ है, राज्य के विकास के लिए कुछ भी कम नहीं पड़ेगा, ऐसी बात खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कही है। इसलिए हम लोग सब मेहनत करने वाले लोग हैं, 24/7 काम करने वाले लोग हैं। आज भी हम लोग, मैं मुख्यमंत्री के हैसियत से आपके सामने खड़ा हुआ, अभी देवेंद्र जी को तो पहले अनुभव है, वो तो बिल्कुल एकदम पूरी तरह सीजनड है। तो निश्चित रूप से सरकार जो इंडस्ट्री हो या किसान हो, कोई भी वर्ग हो, उसके लिए जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने की कोशिश हम लोग करेंगे। और हम लोग, आपको पता है कि फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं, और इसलिए जैसे गडकरी साहब ने पूरे देश में एक उनका नाम है इंफ्रा मैन, नहीं बोल सकते, सुपरमैन बोलना पड़ेगा, तो ऐसे गडकरी साहब भी हमारे साथ में हैं। और इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस देश को भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे और ये देश भी हम सब लोग मिलकर एक सुपर पावर बनाएंगे। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।